कांग्रेस के नवनिर्वाचित सांसद जयप्रकाश ने कहा कि जनता ने इस बार राहुल गांधी के विजन पर वोट डाला। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में हरियाणा में होने वाले विधानसभा चुनाव में जनता कांग्रेस पर अपना विश्वास जताएगी। साथ ही कहा कि अब जनता बीजेपी की झूठी बातों से गुमराह होने वाली नहीं है। हमारे संवाददाता प्रणय शर्मा ने खास बातचीत की हिसार से कांग्रेस सांसद जयप्रकाश से। इस वक्त हमारे साथ हरियाणा से नवनिर्वाचित सांसद जयप्रकाश जेपी हैं। जेपी साहब, किस तरीके से इस जीत को आप देखते हैं और किसे समर्पित करते हैं? नहीं, श्रेय तो जाता है जनता को और हमारी पार्टी की विजन, नीति और नेता। राहुल जी ने पूरे देश को जिस तरीके से जागृत किया न्याय यात्रा के नाम से, पैदल यात्रा के नाम से, और भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने, उदयभान जी ने, दीपेंद्र जी ने, सब हम लोगों ने हरियाणा में एक जन आक्रोश यात्राएं की, रैलियां की, उससे जनता का जन आक्रोश जब सड़कों पे आया तो हमारा सारी सिटी में जीत गए। लेकिन 5 सीटों पे वो आक्रोश, वो जो आप बात कर रहे हैं, उन नीतियों का असर क्यों नहीं, आपको क्या लगता है वहाँ पे कहाँ कमी रह गई? देखिए, कई बार छोटी छोटी खामियां रह जाती हैं, जहाँ कमियां रही उनको दुरुस्त करेगी पार्टी। और विधानसभा में हमारे पास एक भी MLA नहीं था, MP नहीं था, हम तो 31 पे चले गए थे। अब की बार तो हमारे पास 5 हैं, 81-82 सीट हम जीतेंगे, कुछ नहीं बचेगा, तख नहीं। नहीं तो आपको अब आने वाले समय में जो विधानसभा चुनाव है वो किस तरह से दिखाई दे रहे हैं? वो कैसे दिखाई देंगे, इबका तो ये बच गए, आगे लोग इन्हें संवारेंगे। आखिरी सवाल, आपकी प्राथमिकताएं क्या रहेंगी, क्योंकि ये हर कोई जानना चाहता है कि अब जब चुनाव है तो क्या मेरी प्राथमिकता, अगर नहीं वीर योजना रद्द करवाएंगे, प्रॉपर फौज की भर्ती हो, दूसरा हमारा ये जो 730 किसान शहीद हुए हैं उसमें जिम्मेवारी फिक्स हो, किसकी वजह से बात हुई है, जो पुलवामा की जांच हो, कौन इसमें दोषी है, देश विदेश प्रदेश इंटेलिजेंस जो भी है उसकी जांच हमें होनी चाहिए। SSC के जो एग्जाम बंद किए हुए हैं वो हर 6 महीने होते थे केंद्र के, वो चालू किए जाएं। रोजगार जो बात कही थी 2 करोड़ सालाना की, रोजगार बच्चों को दिया जाए। एक GST को लेकर के जिस तरीके से हमारे व्यापारी भाइयों को पीटा जा रहा है हरियाणा में, बड़ा जुल्म हो रहा है, हम उसको सरल करवाएंगे, सिस्टम से कराएंगे। जो डॉक्टर जिस GST को डॉक्टर मनमोहन सिंह चाहते थे, हम उसी GST के लिए प्रयास करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। कैमरा पर्सन पिंटू के साथ प्रणय शर्मा, टोटल टीवी, दिल्ली।